आई है नरसिंहपुर से। यहाँ पर करोड़ों की जमीन का घोटाला सामने आया है। जी हाँ, नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत बड़ियाघाट और खामघाट का यह मामला है जहाँ पर दबंगों ने सास की जमीन हड़प ली है। दरअसल यह पूरा मामला बड़ियाघाट खामघाट में शास के पट्टे पर गरीबों को मिली जमीन को दलालों द्वारा 1000-2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद लिया गया। उसके बाद उन्हीं दलालों ने उस जमीन को लाखों रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से बेच भी दिया। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं उस जमीन की, जिसका इतना बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। जांच होने के बाद हो सकता है कि अभी तक का यह सबसे बड़ा घोटाला निकले, क्योंकि यह घोटाला करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का है। खुद कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इस जमीन की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए बताई है। ऐसी कई और सैकड़ों एकड़ जमीन दबंगों के द्वारा हड़प ली गई थी, जिसको बाद में जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा शून्य घोषित कर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश दिए गए थे। इंगित करना चाहूंगा कि खामघाट और बड़ियाघाट में जो पट्टे की जमीनों का अफरा तफरी हुई थी और अवैध तरीके से बिक्रय हुआ था, मीडिया ने इसको बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी चला था, आपके चैनल ने भी इसको दिखाया था, और तभी जाके प्रकरण जो है माननीय विधायक जी के और हमारे संज्ञान में आया था। विधायक जी ने तत्परता दिखाते हुए विधानसभा प्रश्न भी लगाया था, मुझसे बात भी की थी। हमने जांच दल गठित करके इस पर कार्रवाई की है। एक बड़ा केस है ये, जिसमें काफ़ी सारा सरकारी पट्टे की ज़मीनें जो हैं उनका विक्रय हुआ है। अभी कुछ केसेस में हमने ज़मीनों को जो है फिर से सरकारी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे केस मेरे कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ केस SDM कोर्ट में और तहसीलदार कोर्ट में भी हैं। हम लगातार इस संबंध में कार्रवाई जारी रखेंगे। पर गाड़ावाला में और यहाँ पर ज़मीनों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और ये निश्चित तौर से सैकड़ों करोड़ रुपए में इसकी कीमत जाएगी।